हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके MPPSC AE एग्ज़ाम की। यहाँ पे स्टूडेंट की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ आपके पास सुनिश्चित टाइम रह गया है, टोटल 7 दिन का ही सफ़र अब बाकी रह गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर सिलेक्शन किस तरह से की जाए। अगर आप चाहते हो कि आप MPPSC AE को लास्ट के 7 डेज में किस तरह से क्वालिफाइड करें, तो आप मेरे वीडियो के साथ प्रॉपर बने रहिएगा। और शायद ही अगर आप ऐसा कर पाए तो आप MPPSC AE को बहुत अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये 7 डेज का प्लान क्या रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे 7 डेज के प्लान की बात करते हैं, एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अगर मैं 7 डेज के 24 आवर्स को काउंट करता हूँ, तो आपके पास टोटल 160 आवर्स हो सकते हैं। और ये जो 160 आवर्स होते हैं, कहीं ना कहीं यार एक चौंका देने वाले आवर्स हो सकते हैं। यही आवर्स हो सकते हैं जो आपके एक कैरियर को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ 1100 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। अगर आपने इन 1100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप MPPSC AE का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने अपनी एग्जाम की एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल मिला के 12 पेपर्स को सॉल्व करना है। और 12 पेपर्स अगर आप 7 दिन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये कौन से पेपर सॉल्व करने हैं और किस तरह से सॉल्व करने हैं, इसको भी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जानेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 1100 की है। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करने अपने MPPSC AE के लास्ट 3 पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और उसके राउंड ऑफ आपके पास 300 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चंस को आपने विद कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है यार, बड़े आराम से आप कर पाओगे। अगर आप ये कर लेते हो, तो उसके बाद आपको गेट के 4 पेपर को सॉल्व करना है, यानी कि पिछले 4 ईयर्स के पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व करना है, 2018 से 2022 के, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट गेट के क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं 4 पेपर्स का टोटल क्वेश्चंस काउंट करता हूँ गेट का, तो राउंड ऑफ आपके पास 200 के आसपास क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अगर आपने इन 200 क्वेश्चंस को भी विद कंसेप्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यार आप एक स्टेप आगे मूव कर रोगे। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के 5 ईयर के पेपर्स। और यहाँ पे आपको 5 पेपर की एनालिसिस करनी है, वो भी 2016 से 2020। यहाँ पे राउंड ऑफ आपको 600 क्वेश्चंस को कवर करना है विद डिटेल एंड कंसेप्ट वाइज। अगर हम बात करते हैं इन टोटल की, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 12 पेपर्स हो जाते हैं। अगर इन 12 पेपर्स के मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करता हूँ, तो आपके पास टोटल 1100 क्वेश्चंस होते हैं। और एक दिन में 24 घंटे हैं। अगर आप एक दिन में भी 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो 7 डेज में आपके पास ऑलमोस्ट 1400 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो जो मेरा ये टारगेट है कि आपको 1100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए 5 डेज का ही प्लान है। अगर इस 5 दिन के प्लान्स को आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो आप MPPSC AE बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। डियर ओके गाइस, तो मिलते हैं अब एक नए सेशंस के साथ और एक नई उम्मीदों के साथ।